नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मनावर में विधवा मां ने अपने बेटे को ढूंढने को लेकर समाज की महिलाओं व पुरुषों के साथ अनिश्चितकालीन धरना दिया है। एक विधवा मां की बेटी को 3 माह पूर्व अंकित कलाल अगवा कर ले गया। पुलिस 3 माह बाद भी युवती को ढूंढ नहीं पाई। मनावर थाना अंतर्गत ग्राम लोनहेरा सड़क की युवती 3 माह पूर्व अगवा हुई थी, जिसकी विधवा मां व परिजनों द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसके बाद भी पुलिस युवती को ढूंढ नहीं पाई, जिसके चलते कुछ समय बाद सिर्वी समाज व जय संगठन के द्वारा कई बार पुलिस अनुविभागीय कार्यालय व पुलिस थाने में ज्ञापन दिए गए हैं। साथ ही धार पुलिस अधीक्षक को भी मामले की शिकायती आवेदन दिया है, मगर पुलिस आज तक युवती की तलाश नहीं कर पाई, जिसको लेकर आज युवती की विधवा मां व समाजजनों के द्वारा पुलिस थाना परिसर में अनिश्चितकालीन धरना दिया है। उक्त मामले को लेकर मीडिया द्वारा पुलिस से जानकारी लेना चाहिए, मगर पुलिस द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया। मनावर से दिनेश पटेल की रिपोर्ट। मेरा नाम जगदीश जमादारी है, मैं ग्राम लोनहेरा का निवासी हूँ। मेरे भाई की बालिका नेहा काग विगत 3 महीने से अंकित पड़ियाल जाति कलाल वो भगा के ले गया है, और वो पूरा मैटर जो है पूरा दबाव वाला है, और हम चाहते हैं कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल क्या, उसके पहले हमने रिपोर्ट डाली, रिपोर्ट डालने के बाद में फिर आवेदन दिया, फिर घेराव थाने पर आ गया, तिहाई साहब से बात करी, उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने ज्ञापन दिया समाज के अध्यक्ष ने, उनके मार्गदर्शन पूरे समाज ने, उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारे समाज के, हमें चक्का जाम करना चाहते थे, लेकिन हमारे समाज के लोगों, वरिष्ठ लोगों ने समझाया कि आप चक्का जाम मत करो, पहले आप और एक बार जाके मिलो। तो हमने और फिर मिला, फिर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो हमने 26/8 को फिर गया, मतलब एक आवेदन दिया कि 3 रोज में हमारी बालिका नहीं आती है, और लाके अगर बयान निकल आते हैं, जो बालिका की इच्छा होगी वो हमें मान्य है, लेकिन बालिका आए सामने, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी बालिका जो है उसके साथ धोखा हुआ है, और उसको कहीं मार तो नहीं दी गई, ऐसी शंका हमें है परिवार वालों को। इसलिए हम चाहते हैं कि वो आए बयान करें, जो बयान देगी वो हमें मान्य है। उसके बाद भी इन लोगों की वजह से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम चाहते, फिर हमने जो अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन जो किया है, ये हम अनवरत चलाएंगे इसको। ऐसा नहीं कि 1 रोज या 2 रोज में ख़त्म करेंगे, जब तक हमारी बालिका नहीं आती है ये जब तक चलता रहेगा।